बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपसे अपडेट शेयर करूंगा रावलपिंडी की एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के एडमिशंस 2023 के हवाले से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि एरड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के जो एडमिशन है वो कब ओपन होंगे। तो स्टूडेंट्स, उस हवाले से आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो में एडमिशन के हवाले से अपडेट शेयर करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम एडमिशन की मेरिट लिस्टों की स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। अगर हम बात करें पीर मेहर अली शाह एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की एडमिशन 2023 के हवाले से, तो इसके जो BS के एडमिशन है और MPhil के एडमिशन है वो अभी होने हैं। तो कब ओपन होने जा रहे हैं उसके हवाले से आपको मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो पिछले साल इसके एडमिशन थे BS के प्रोग्राम्स के, वो जुलाई अगस्त में हुए थे, जुलाई में जाके जो है वो ओपन हुए थे। लेकिन इस साल जो अभी मैंने पता किया दोस्त वगैरह से, तो उन्होंने बताया कि जो एक्सपेक्टेड जो एडमिशन है एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के, वो इसी मंथ के जो है वो एंड पे जाके स्टार्ट होंगे। तो इंशाल्लाह जून के एंड पे जो है, लास्ट वीक में जून के, जो आपके एडमिशन है BS के प्रोग्राम्स के वो ओपन हो जाएंगे एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में। और इसका एडमिशन जो है वो किस बेस पे होगा उसकी अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट्स हर साल जो है वो यूनिवर्सिटी एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी अपना एडमिशन टेस्ट लेती है। उस एडमिशन टेस्ट की कुछ वेटेज जो है वो अपने मेरिट में इंक्लूड करती है और कुछ वेटेज जो है आपके FSC के मार्क्स होते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही आप एडमिशन ओपन होते हैं, आपको एडमिशन टेस्ट के हवाले से भी मुकम्मल जो है वो गाइड करेंगे, आपने कहाँ से तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो के MCQs आते हैं, कहाँ से तैयारी करनी है एनालिटिकल रीजनिंग की, और बाकी जो भी पैटर्न होता है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो है मैं इस वेट में हूँ कि एडमिशन ओपन हो जाए। एडमिशन जो है वो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह जून के एंड पे जो है वो जाके ओपन हो जाएंगे। तो अगर जून के एंड पे भी ओपन ना भी हुए तो जुलाई की फेब में जाकर जो है जुलाई के स्टार्ट में ही ओपन हो जाएंगे। उम्मीद तो काफी है वैसे जून के एंड पे जाकर जो है वो एडमिशन एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के जो एडमिशन है वो ओपन हो जाएंगे। तो एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की अगर हम बात करें, तो ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और जहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा जो है वो तादाद में अप्लाई करते हैं और बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो है एडमिशन, स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट लेती है, उसको पास करना होता है, उसकी वेटेज मेरिट में इंक्लूड होती है। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही मेरा जो एडमिशन है वो ओपन होते हैं तो उसके बारे में फिर मैं आपसे जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, एडमिशन टेस्ट के पैटर्न के बारे में भी और मेरा लिस्टों के बारे में भी। जैसे ही एडमिशन ओपन होते हैं मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अभी एक्सपेक्टेड है कि जून के एंड तक जो है वो जो आपके एडमिशन है वो एक्सपेक्टेड है ओपन हो जाएंगे। बाकी जैसे ही अपडेट आती है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें मजे मजे के व्लॉग्स देखने के लिए। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं यूनिवर्सिटीज की वो आपसे शेयर करते हैं। उसका लिंक भी आपको हमारा जहाँ पर व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिलेगा उधर ही आपको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो मजीद कोई सवाल हो आपका कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।